तो आप ये लोग बता सकते हैं कि संतुष्ट आप हैं, ये मेरी कोशिश थी कि चालक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मीडिया में मेरे लोग हैं, हम सब एक साथ बात करें और चर्चा करें कि लोग लाते कर रहे हैं और ये जानकर आगे भी हम इस तरह की कोशिश करेंगे। जिस तरह माननीय मंत्री जी ने इंगित किया था कि वो चाहते हैं कि उस पर एक चर्चा हो और उस पर सुझाव भेजे जाए, मुझे लगता है कि अच्छी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करने में पहले हमने चाहे वो ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाने की बात हो, चाहे वो डिजिटल बना के उसको कम से कम बाधाएं वो हमने पहले ठीक किया, उसके बाद हमने कोशिश की कि इंडस्ट्री से और फीडबैक लिया और उन फीडबैक को लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसके बाद हमने कहा कि कम पाया कि हम उसका एक स्वरूप चेंज करें, इसका लुक एंड फील बन जाए, तो हमने उनके सर्टिफिकेट का जो डिज़ाइन है उसको कंटेम्पराइज किया, उसको आज के समय के साथ जोड़ा और उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया कि उसका सिर्फ एक कागज़ का वो टुकड़ा ना रह जाए, वो एक इंटरेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप फिल्म के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। कोशिश है कि समय के साथ सीपीएफसी को भी आगे बढ़ाएं। सर, सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो 1952 का है उसको कई बार चेंज करने की बात है, पहले जो सुझाव आ चुके हैं कमिटी के माध्यम से साथ साथ आपको यकीन सबको एहसास हो रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चुनौतियाँ और आ रही हैं कि सर्टिफिकेशन को किस तरह से लोगों के लिए सहज और राहें बनाए, आज की चुनौतियों को देखते हुए और नए सुझाव उन्होंने मांगे हैं और मुझे आशा है कि उन सुझावों को आगे लेकर और चलिए अगला कदम यही है कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो और हम और अच्छी पहल करें और कोई अच्छी शुरुआत करें, उसके लिए भी हाँ जी नमस्कार। सर, आपकी संध्या पर आपके विचार? मैं थोड़ा लेट आया था तो इसलिए विचार मुझे आधा पता लगे, लेकिन ये मुझे मालूम है कि हमारी सरकार जो है वो पूरा भरसक प्रयत्न कर रही है किस तरह से सबको फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो सेंसर बोर्ड हो, फिल्म मेकिंग हो, फिल्म इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशन हो, सो दे आर रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्कूल्स, सेंसर बोर्ड एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दैट इज़ व्हाई वी आर ऑल हियर टू इनलाइटन देम ऑल्सो कि आप हमारी प्रॉब्लम समझिए और वो हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं और पूरा अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड द INV मिनिस्ट्री एंड एवरीवन, थैंक यू। सर, डिजिटली इस प्रक्रिया को कर दिया गया है, ये कितना जो है वो सही है सर और कितना सुकून पहुंचाती है? डिजिटल इज ए रियलिटी, अब तो पीछे तो सब इतिहास है, अभी वो ग्रंथ थोड़ी है आपके पास,
डिजिटल इज ए रियलिटी इन इज अ फ्यूचर एंड एवरीथिंग. अभी मैं हर चीज़ डिजिटल ही देखता हूँ. मैं अपने स्क्रिप्ट भी छोटे मोबाइल पे लिखता हूँ. आपको कैसे मालूम सर आज का कार्यक्रम कैसा रहा? लेकिन आपने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया, कुछ वादा वगैरह किया कि कुछ फिल्म बना के देंगे, कुछ बताया आपने यहाँ? देखिए क्या है कि ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि मंत्री यहाँ आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बम्बई और दिल्ली में जो है डिस्टेंस कम होना चाहिए. हमको उनको मिलना चाहिए, उनको हमको मिलना चाहिए. हमको अपनी समस्याएं उनको बतानी चाहिए, उनको उनका समाधान हमको देना चाहिए. अगर उनकी कुछ समस्या हो जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका आना और ये आपस में जो हमने बातचीत की है, ये एक ही बार हो ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं चाहूँगा कि मंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि हर दो तीन महीने में एक चक्कर लगा लें, चाय का कप पी के हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या इम्प्रूव हो सकता है. सर आपने कुछ कहा भी कि मैं कुछ और फिल्म की बात करती. हाँ, वो क्या है कि वो जो फिल्म आती है जब हम सिनेमा देखते हैं कि सिगरेट मत पियो, वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनती कई बार. वो एक राहुल द्राविड़ की हमने देखी थी, उन्होंने इंग्लिश में बोला, उसके ऊपर हिंदी चपकाई है. आप वो देखा दीजिएगा पिक्चर इस इंटरव्यू के बाद, तो वो अच्छा नहीं लगता. ना राहुल द्राविड़ जी के लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना हमारा जो इम्प्रेशन पड़ता है वर्ल्ड सिनेमा पे अच्छा नहीं है. तो मैंने ये कहा कि अगर वो चाहें तो हम एक अच्छी फिल्म बना के सरकार को दे सकते हैं, ताकि वो अच्छी फिल्म, हमारी अच्छी फिल्में जो हम मेहनत करके बनाते हैं, उसके पहले भी जो फिल्म चले वो भी अच्छी. धन्यवाद, थैंक यू. ओके, इतने सवाल पूछेगा यार, चल भैया मैं सवाल काट के निकल रहा हूँ. मैं उसका मिड में एक सवाल काट दिया, चलो. कितना प्यार करते हैं? अरे इतने देर का सवाल जवाब मत पूछना. कितना प्यार करते हैं? देखिए ना, मैं आपके बाद जीतना बंद हो गया.